आई डी एफ सी बैंक में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद मेरा डेबिट कार्ड मेरे घर पे आ चुका है एंड लाइव प्रूफ आपके सामने है अगर आप एक ऐसा बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको हाई इंटरेस्ट रेट के साथ बेस्ट सर्विस मिले आप आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के साथ जा सकते हैं एंड आपको आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक में कैसे एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना है आज के इस वीडियो में इसका लाइव प्रोसेस करके हम आपको दिखाएंगे यहां पर अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पैसों पे सबसे ज्यादा सात परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि भारत में कोई भी बैंक नहीं देता है एंड यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के कुछ दिनों के अंदर ही आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है एंड बाकी यहाँ पर आपका एटीएम कार्ड एंड चेकबुक आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है इस अकाउंट को फुल केवाईसी करवाने के लिए आपको ब्रांच में नहीं जाना है घर बैठे वीडिये के माध्यम से फुल केवासी

नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करना है जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो एंड उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करना है जो भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप देंगे वही आपके बैंक खाते से भी लिंक हो जाएगा नीचे यहाँ पर आपसे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे देन उसके नीचे यहाँ पर आप अपना कंप्लीट बारह डिजिट का आधार कार्ड का नंबर फिल कर देंगे देन आपको गेट ओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अभी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओ सेंड किया जाएगा उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे देन थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिलेगा इस पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है नीचे आपके आधार कार्ड से आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाता है अगर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा इस वाले बॉक्स पर टिक करके आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आधार कार्ड वाला एड्रेस बना सकते हैं अगर आप फिलहाल किसी दूसरे जगह पे रहते हैं एंड उस जगह को आप कम्युनिकेशन एड्रेस में देना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे एंड यहाँ पर कंप्लीट आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे देन यहाँ पर एड्रेस लाइन वन एंड एड्रेस लाइन टू में कंप्लीट अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देंगे जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस आप फिल करेंगे वहीं पर आपका डेबिट कार्ड एंड चेकबुक वगैरह सेंड किया जाएगा उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देन यहाँ पर नीचे आपसे आपका प्रोफेशनल डिटेल्स मांगा जाता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ऑक्युपेशन सेलेक्ट करना है तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे एंड अगर आप कोई जॉब करते हैं देन आप सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं कोई बिजनेस या फिर खुद का काम करते हैं देन आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे आपको स्टूडेंट एंड होम मेकर का भी ऑप्शन मिल जाता है आप अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपसे पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे एंड आपका जो पैसा वो कहाँ से आता है बिजनेस से आता है इन्वेस्टमेंट से प्रोफेशनल फीस से या फिर सेविंग से आता है अपने हिसाब से अपना सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे देन उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे आपका ग्रॉस एनुअल इनकम पूछा जाता है आप साल में जितने भी पैसे कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे नीचे यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट मदर का नाम फिल कर देना है उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देन यहाँ पर आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा आईडीएफ फर्स्ट बैंक आपको दो तरीके का अकाउंट ऑफर करता है सबसे पहला है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड वाला एंड दूसरा यहाँ पर वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड वाला दोनों ही अकाउंट्स के जो भी फीचर्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सबसे पहला तो दोनों ही अकाउंट्स में सात परसेंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लिया जाता है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड वाले अकाउंट का जर आपको दस मेंटेन करने है वही टिनम डेबिट कार्ड वाले अकाउंट के अंदर पच्चीस हजार रुपए मेंटेन करने हैं दोनों ही अकाउंट अपने अपने जब बेस्ट हैं लेकिन आप मेरे रिकमेंडेशन में दस हजार वाला अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए सो अपने हिसाब से अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे अगर आप इन अकाउंट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्कवर ऑल बेनिफिट्स का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करके आप अकाउंट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं सो अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा इस बॉक्स पे आपको टिक रहने देना है एंड नीचे आपको यहाँ पर प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज में आपका फर्स्ट बैंक में अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है एंड नेक्स्ट पेज में यहाँ पर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आपको दिखाया जाता है आपका अकाउंट नंबर कस्टमर आइड नंबर एंड जो भी आपके अकाउंट के डिटेल्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर ऊपर आपको एक डाउनलोड का आइकन मिलेगा इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जिसमें अकाउंट के सारे डिटेल्स दिए होंगे बेसिकली अब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि अभी आपके अकाउंट का फुल केवाईसी नहीं हुआ है सो विदाउट फुल केवाईसी किए आप अपने अकाउंट को सिर्फ एक साल के लिए ही यूज कर सकते हैं एंड मैक्सिमम एक लाख रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सो so, अकाउंट को फुली एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट का वीडियो केवाईसी करना होगा वीडियो के वैसे कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर नीचे आपको स्टार्ट वीडियो के वैसे ही नाव का एक ऑप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगे जाएंगे लोकेशन कैमरा एंड माइक्रोफोन का तो सभी परमिशन को आप अलाउ करेंगे एंड यहाँ पर नीचे अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप सभी परमिशन को अलाउ कर लेंगे आप अपने हाथ में अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रख लेंगे साथ में एक पेपर एंड पेन रख लेंगे अब आपका एक वीडियो कॉल एडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा वीडियो कॉल पे लाइव आपका एक सेल्फी खींचा जाएगा आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना होगा देन आपको एक सिग्नेचर करके दिखाना होगा डेट सेट आपका जो वीडियो के वैसे वो कंप्लीट हो जाएगा अब आपका अकाउंट कंप्लीटली ओपन हो चुका है एंड अब आप अपने अकाउंट को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं उसके लिए आप आई फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड यहाँ से आप अपने अकाउंट को कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं पैसे वगैरह का इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं साथ में आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर वगैरह है इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसका इंस्टेंट आप यूज़ करके अपने अकाउंट को फोन पे एंड गूगल पे के साथ तुरंत ही लिंक कर सकते हैं एंड आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड एंड चेकबुक है कुछ दिनों के अंदर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से आप आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक में एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा